और ये सफा की पहाड़ी है और हम उमरा करते हुए अब सही करने लगे हैं। ये देखिए, ये वापसी का रास्ता है और ये जाने का रास्ता है। हम इधर से जा रहे हैं सही शुरू करने के लिए। ये सही शुरू हो गई है, सही स्टार्ट। यहाँ से सफ़ा से शुरू की है हमने, ये पीछे सफ़ा पड़ गया, यहाँ से हमने सही शुरू किया और अब हम मरवा तक जा। ये देखिए लिखा हुआ है, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शरबिल्लाही फमन हज्जल बैती आगे आ रही हैं ये ग्रीन लाइट्स। यहाँ से सफ़ा और मरवा, ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत बीबी हाजरा ने हज़रत इस्माइल के लिए पानी की तलाश की थी, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी। और ये जो सब्ज़ जगह है, यहाँ पे आप तेज़ी से भागेंगी, और बीबी हाजरा बहुत तेज़ी से इस जगह के दौरान में भागी थी अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में, तड़प के लिए। तो यहाँ पे जो मर्द हज़रा आता है ना, ये ग्रीन लाइट इन्होंने इसलिए लगाई है ताकि आदमी के लिए, मतलब ये निशानी के तौर पे लगाई है। और यहाँ पे जो आदमी है ना, वो फिर इसके दौरान में ना बहुत तेज़ तेज़ ये भागते हैं, जिस तरह ये लोग भाग रहे हैं ना, इस तरह आदमी सफ़ा और मतलब ये जो ग्रीन लाइट्स है ना, इसके दरमियान में तेज़ तेज़ भागते हैं। ठीक है, सफ़ा और मरवा के दरमियान हज़रत बीबी हाजरा ने तेज़ तेज़ भागी थी अपने बच्चे के लिए, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे पानी की तलाश में जाती थी, सफ़ा से मरवा की तरफ जाती थी। और फिर जब बच्चे का ख्याल आता था कि बच्चा जो है वो वहाँ पे पड़ा है, तो कोई सुनसान जगह है, कोई जानवर या कोई चीज़ हमला ना कर दे, तो फिर आप वापस भागती थी। ये यहाँ पर जमजम लगाया है, तो जिस जगह पे आप तेज़ी से भागती थी ना, वहाँ पे ये ग्रीन लाइट्स लगा दी और ये जमजम लगाया है इन्होंने। ये एरिया जो सेंटर वाला है ना, ये एरिया इन्होंने व्हील चेयर्स वालों के लिए रखा है। और ये जो है ना, इससे ऊपर वाले पोर्शन में जो है ना, स्कूटर्स पे भी होती है और वैसे भी होती है सही। और जो लोग नहीं चल सकते उनको व्हील चेयर्स पे कराई जाती है। तो ये देखिए, एक ये भी है जमजम का, पानी के लिए ना लोगों की। ये सफ़ा है, ठीक है, और वो वाली साइड मरवा की है ऊपर, जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा चढ़ाई पे। ये देखिए, उस तरफ से वापस आते हैं, वापसी का रास्ता उधर रखा हुआ और जाने का रास्ता ये। तो यहाँ से हम जाएंगे मरवा की पहाड़ी की तरफ और वो उसकी मैं दिखाती हूँ, और उधर से मुड़ के वापस आएंगे हम वापस सफ़ा की तरफ। ये देखें, इन्होंने इधर कुरान पाक भी रखे हुए हैं कि अगर आपने पढ़ना है तो आप कुरान पाक भी पढ़ सकते हैं। दो आ चुके हैं और मैंने आज वापस जाना है, मेरी फ्लाइट है रात की, और अभी 2 बज गए हैं और हम उमरा कर रहे हैं, और हमने 3 बजे इंशाल्लाह जद्दा के लिए निकलना है इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, ये पानी की जगह है, जब लोग थक जाते हैं तो पानी पीने लगते हैं। ये देखिए, ऊपर चढ़ाई सफ़ा मरवा की तरफ है। ठीक है, ये इसलिए इन्होंने किए ये वाली टाइल्स, ताकि ये चढ़ाई की तरफ चढ़ना है तो ये स्लिपरी है, ऊपर जाते वक्त कोई स्लिप ना हो जाए, इसलिए इसमें पैर टिक जाता है, इसलिए उन्होंने ये वाली टाइल्स रख दिए। ठीक है, जब नवाफिल मुकम्मल हो जाते हैं, 7 आपके चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं, जब सफ़ा मरवा की सही मुकम्मल हो जाती है, फिर आप दुआ मांगते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। हर चक्कर के मुकम्मल होने पे जब आप सफ़ा से मरवा की तरफ आते हैं, तो आप खाना की तरफ हाथ करके पूछा सीधा हाथ, आप कहते हैं बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर और दुआ मांगते हैं। ये देखिए, ये मरवा की पहाड़ी है,
ठीक हो गया। हाँ, ये मरवा की पहाड़ी है। अब हम ये नजर नहीं आ रही, अब इधर से हम वापस सफा के घर जाए। ये देखें, अब हम वापस, पहले उधर से हम आए हैं, अब हम इधर से वापसी की तरफ जा रहे हैं, सफा की तरफ। एक चक्कर हमारा मुकम्मल हो गया और हम दूसरे चक्कर की तरफ जा रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा हो गया है, ये हम दूसरा चक्कर हमारा शुरू हो गया मरवा की तरफ, जो हम लोगों ने जल्दी जल्दी करना है। इधर जितनी मर्जी कोशिश कर ले तेज़ चलने की, टांगे दर्द होने लग पड़ती है, लेकिन तेज़ नहीं चला जाता आपसे, जो मर्जी कर लो आप, सिर्फ भाग सकते हो आप, तेज नहीं चल सकती। ये देखिए, हाँ, दरमियान वाली जो है ना वो व्हील चेयर की जगह, जैसे मैंने पहले कहा कि ऊपर भी होता है, उससे ऊपर भी होता है, उसमें स्कूटर्स वगैरह भी चलते हैं। ये जमजम पानी पीने की उस तरफ भी थे और इस तरफ भी उन्होंने अलग अलग आए हुए हैं, पुराने पाक उधर भी पड़े हुए थे। ये चेयर्स भी रखी हुई हैं कि अगर किसी ने बैठना है तो वो बैठ जाएगा। ये देखें, कुरान पाक रखे हुए हैं इन्होंने, ये भी रखी हुई है, डस्टबिन गंद फेंकने के लिए, सफाई का मुकम्मल तौर पे इंतज़ाम है इधर। ये देखें, अब हम वापस जा रहे हैं और वापसी में भी सेम उसी जगह पे वो निशान है जहाँ पे बीबी हाजरा तेज़ी से भागी थी और वहाँ पे उन्होंने वो ग्रीन लाइट्स लगाई हैं ताकि निशानी के तौर पर, और वहाँ से मर्द हजरात जो है ना वो तेज़ तेज़ भागते हैं। इस तरह हमारे दो चक्कर मुकम्मल हो गए हैं और हमने इस तरह करके 7 चक्कर करने हैं और 8वां वापसी की तरफ हो जाता है। 7 चक्कर करके मरवा के पास ऊपर हम नवाफिल पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ के फिर उसके बाद दुआ मांग के फिर हम वापस मरवा से होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, हरम से बाहर निकल के। आप खाना काबा भी नज़र आएगा इधर से, तो उधर से आप बाहर निकल जाते हैं और फिर उसके बाद पूरे हरम से आप बाहर निकल जाते हैं आराम। देखिए ये खाना काबा मुताफ वाली साइड है, ये आ गई वो लाइट्स, अब इधर सब ने तेज तेज भागने लग पड़ना। ये देखिए, औरतें नहीं भागती हैं, मर्द भागते, और कहते हैं इस जगह पे आप जो भी दुआ मांगो ज़रूर कबूल होती है। आजकल पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, अल्लाह ताला से दुआ है कि इस सैलाब को यहीं पे रोक दे और पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा करे, सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और करम नवाजी फरमाए, बस करम नवाजी फरमाए, आसानी पैदा करे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और पानी को रोक दे। ये देखें लाइट्स ठीक हो गया, ये मुकम्मल हो गया। मैं इधर से नॉर्मल चल रही हूँ क्योंकि औरतें नॉर्मल जाती हैं, वैसे चलना तो चाहिए लेकिन इन्होंने ये बनाया नहीं हुआ। ठीक हो गया, देखिए उधर लिखा भी हुआ है शुरू में, यहाँ पे भी आयत लिखी है। हमें 5 मिनट हो गए, 2 बजे हमने शुरू की थी, 5 मिनट में एक साइड का मुकम्मल चक्कर होता है, एक मतलब उधर से जाके वापस आने का। ये देखिए इधर लिखा भी हुआ है सफ़ा स्टार्ट से, ये देखिए अब हम फिर सफ़ा तक पहुंच गए हैं, 10 मिनट तो यहाँ पे लिखा हुआ है सफ़ा स्टार्ट से। ये देखिए इधर से हर में पहुँच गए, नज़र लगता है इधर से सामने आने का काम करा रहे, लेकिन लोग स्कूल से नज़र नहीं आ रहा। ये सफ़ा है, ये अब मुकम्मल हो गई है हमारा पहला 2 चक्कर। अब इधर जाके हम खाने का वक्त मुँह करके बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर एक बार फिर बोलेंगे, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर। ये देखेंगे सफ़ा के पहाड़,
ठीक है, हमारे दो चक्कर मुकम्मल हो गया, मैं वीडियो बंद करती हूँ।